भाई अगर ये सही काम करेंगे तो चलेगी, नहीं सही काम करेंगे तो चाचा को तो पलटी मारना ही मारना है, क्योंकि नायडू जी ने भी वादा किया है अपनी आवाम से। सरकार चल नहीं पाएगी, 5-6 महीने 7 महीने थे बस लेटेस्ट। अब फोटो फ्रेम बड़ा करना पड़ रहा, अगल बगल भी लोगों को ऐड करना पड़ रहा, वो चीज़ मोदी जी को डाइजेस्ट नहीं होगी। जिस दिन उनको डाइजेस्ट नहीं होगी उस दिन उनकी सरकार गिर जाएगी। तो लंगड़ी सरकार तीन पावे सरकार है, ये कब तक चलेगी ये तो ऊपरी वाला जानता है। दोनों में संशय है, सरकार चलना और चलाना बहुत मुश्किल है। कुछ दिन के बाद विश्वास नहीं है, कुछ दिन के बाद सरकार जरूर डवाडोल होगी। इबादत इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सटासट 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 लोकसभा में भी चलेगा। ये सोचिए कि जब दूसरी जगह से उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर है तो क्या आदमी पलटी नहीं मारेगा? 3-6 महीने तक के हो सकता हो तोड़ जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बस चंद महीनों की सरकार है, चंद महीनों की और क्या है, सब वहाँ वही है। अच्छा ये कब तक आपको लग रहा है ये एनडीए की सरकार जो है वो कितने समय तक चल पाएगी? जब तक इनकी सरकार तभी तक चलेगी जब तक ये नीतीश जी को और चंद्रबाबू नायडू जी की बातों को मानेंगे। जिस दिन ये नहीं मानेंगे उसी दिन गिर जाएंगे, उसी दिन गिर जाएंगे क्योंकि सरकार तो वही चलाएंगे। आपको क्या लग रहा है वो लोग सरकार ये जब तक चल रही है, बैसाखी पे चल रही है, और ये बैसाखी के दो महत्वपूर्ण दोनों बैसाखियाँ, एक तरफ नीतीश जी हैं जो बिहार से हैं, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू जी हैं जो आंध्र से हैं, और ये दोनों लोग ही चला रहे हैं। जिस नरेंद्र मोदी का ये हालत कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक ताना साहा को झुका हुआ, कमज़ोर, मजबूर, मजलूम देखने पे अच्छा लग रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी जितना इन लोगों को क्रश करके रखेंगे, अपने कंट्रोल में रखेंगे। मैं तो आपके माध्यम से चंद्रबाबू नायडू जी को का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जो स्पीकर पद वो मांग रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने मांगी। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो दोनों दल के सांसद ये लोग खा जाएंगे, डकार भी नहीं लेंगे। सरकार चल नहीं पाएगी, सरकार नहीं चल पाएगी क्या? तब भी कितना समय तक चलेगी? 5-6 महीने 7 महीने तक बस लेटेस्ट। जो लोग शामिल हुए हैं, पलटी कौन मारेगा? दोनों लोग पलटी कोई नहीं मारेगा। पलटी शब्द नहीं है, पलटी नहीं मारेगा। देखिए जब ये अपनी तानाशाही करना चाहेंगे, जब ये तानाशाही करना चाहेंगे, क्योंकि एक तानाशाह कभी देखिए दूसरे के अंडर में रह के काम नहीं करना चाहता, और वो मोदी जी तानाशाह हैं, वो मोदी जी की पर्सनालिटी में, मोदी जी के काम में, जैसे वो आज तक उनके इंटरव्यू में या आज तक उनके पेज पर कभी भी जब वो लाइव होते तो सिंगल लाइव होते थे। अब फोटो फ्रेम बड़ा करना पड़ रहा, अगल बगल भी लोगों को ऐड करना पड़ रहा, वो चीज़ मोदी जी को डाइजेस्ट नहीं होगी। जिस दिन उनको डाइजेस्ट नहीं होगी उस दिन उनकी सरकार गिर जाएगी। चलिए आपको क्या लग रहा है कि ये सरकार कितने समय तक चल पाएगी? तो लंगड़ी सरकार तीन पावे सरकार है, ये कब तक चलेगी ये तो ऊपरी वाला जानता है। आपने एक चीज़ देखी, आपने भी देखा होगा, कल मैं देख रहा था शपथ ग्रहण में, आज तक आपने मोदी जी को कोई आया चाहे इस देश का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है, लेकिन मोदी कभी खड़े नहीं हुए। कल नीतीश कुमार जी आए तो खड़े होकर अपनी कुर्सी दिखा रहे, ये डर है तानाशाह का और कुछ नहीं। तानाशाही हमारी, आपकी या किसी की, तानाशाही बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है, तानाशाही गिरनी तय है। और तानाशाह को ऐसा घुटना टिका दिया है इस देश की जनता ने, राम है राम चल रहे थे, अब राम भी बुला गए इस समय। भाई अगर ये सही काम करेंगे तो चलेगी, नहीं सही काम करेंगे तो चाचा को तो पलटी मारना ही मारना है, क्योंकि नायडू जी ने भी वादा किया है अपनी आवाम से, चुनाव में ही उन्होंने कहा है। भाजपा का मुद्दा कुछ और था, नायडू जी का मुद्दा कुछ और था, और उन्होंने जनता से ये धोखा किया एक एतवार से। भाई अगर या तो वो उस बात पे चलें जो उन्होंने जनता से वादा किया है, नायडू जी ने आंध्र की जनता से, आंध्र प्रदेश की जनता से, अगर उस पर वादा नहीं खड़े नहीं उतरते, इसका मतलब वो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। देखिए ये बेमेल शादी हुई है, जैसे नहीं होता है कि इनके विचार अलग अलग हैं, विचार अलग अलग हैं और सारे लोग अपने अपने स्वार्थ पे लगे हुए हैं। आप जो देख रहे हैं कुछ लोग भाग रहे हैं, कुछ लोग जो है शपथ ग्रहण करने से मना कर दिए, जिसके ऊपर स्वयं अजीत पवार के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उसके बाद अपने में डरा धमका के ले आए थे, ईडी और सीबीआई के जो मुकदमे थे उन्होंने समाप्त करा लिया, उसके बाद चले गए। उसी तरह से टीडीपी वालों को जेल भेजे थे, मालूम है चंद्रबाबू नायडू जी के भी जेल भेज दिए थे, और वहाँ से आए हैं वो भी अपना मांग कर रहे हैं, चूंकि वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिम को भी 4% आरक्षण देंगे, वो कमिटमेंट किए हैं आंध्र प्रदेश में तो, और ये मुस्लिम के विरोधी हैं, ये कहते हैं हम कतई मुस्लिमों को धर्म के आधार पर हम नहीं देने देंगे।
तो अब जो है आरक्षण नहीं देने देंगे, अब दोनों में कैसे पटेगी? दूसरी बात यह है, इनकी तोड़ने की सबसे बड़ी परंपरा रही भाजपा के नेताओं का, पार्टियों को ख़त्म करने की परंपरा रही है, उससे TDP और JDU के लोग जो है डरे सहमे हुए हैं, इसीलिए वो अपना लोकसभा अध्यक्ष मांग रहे हैं। तो दोनों में संशय है, सरकार चलना और चलाना बहुत मुश्किल है, कुछ दिन के बाद विश्वास नहीं है, कुछ दिन के बाद सरकार जरूर डवाडोल होगी। कारण यह है कि देखिए इनको पूर्ण बहुमत मिला नहीं और इनकी पूर्ण बहुमत चलाने की आदत पड़ी हुई है, पूर्ण बहुमत की सरकार चलाए हैं, बेलगाम सरकार चलाए हैं, तानाशाह की तरह सरकार चलाए हैं, लोकतंत्र की हत्या किए हैं, संविधान की हत्या किए हैं, जिसको चाहे जेल में बंद करवा दिए, जिसके यहाँ चाहे ED भेजवा दीजिए, CBI भेजवा दिए, तो इस तरह का जो काम किए हैं अब उस पर लगाम कुछ लगेगी। मोदी कभी BJP का भी नाम नहीं लेते थे कि BJP की सरकार ये करेगी वो करेगी, केवल कहते थे ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी बोल रहा है। तो मोदी को जनता ने नकार दिया। अब सबसे ज़्यादा मैं उत्तर प्रदेश की महान जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उनके गरूर को तोड़ा है, उनके अहंकार को तोड़ा है, कम से कम उन्हें सबक सिखाया है, उनके गरूर को चकनाचूर किया है। ये उत्तर प्रदेश की महान जनता है और समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी बड़ी पार्टी के लाइन में लाके खड़ा कर दिया है। तो ये अब अखिलेश जी की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जनता की भावनाओं पर खड़े उतरे आगे चलकर, और अपने सांसदों अपने विधायकों से कहें कि इस गर्मी में भी जब शाम हो जाए तो जनता के गाँव में जाएँ, जनता की आवाज़ सुने और उनकी बात सदन में बखूबी उठावें, तरतीब वाइज उठाएं, जो उनकी परेशानियां हैं जनता की परेशानियों को सरकार को बताएं, सरकार की आंख खोलने का काम करें। चूंकि जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, कितने समय तक चलेगी NDA की सरकार? देखिए मेरी एक छोटी सी सूचना सुन लीजिए, एक लाइन की, इबादत इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, सटासट 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 लोकसभा में भी चलेगा। स्मृति ईरानी को अपमान का बदला चुका सकती है तो क्या वहाँ की जनता क्या ये इनको छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। वही लड़की आज नहीं कल, कल नहीं परसों लोकसभा की सदस्य होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। कौन सा मंत्रालय मांगा था? कृषि, रेल, वित्त, तीन मंत्रालय मांगे थे, तीनों में एक भी नहीं मिला है। प्लस क्या कहते हैं, मोदी सरकार ने कहा था कि पांच सांसदों पे एक कैबिनेट मंत्री मिलेगा, नीतीश बाबू बड़े थे हमें चार पे एक चाहिए, चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्रालय मांगा था प्लस एक स्पीकर का पद मांगा था, मिल गया इन लोग को? नहीं मिला ना, तो आप कैसा कह सकते हैं ये पलटी नहीं मारेंगे? तो जो कितना लग रहा है, कितना समय? जो कुर्सी के लिए अपने घर की इज्जत ना रखता हो वो देश की इज्जत क्या रखेगा? ये सोचिए कि जब दूसरी जगह से उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर है तो क्या आदमी पलटी नहीं मारेगा? अच्छा, तो कितना समय तक चलेगा ये NDA? हम तो सोच रहे हैं मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी को ही फॉलो कर ले। 13 दिन की सरकार चलेगी? नहीं तो 6 महीना तो बहुत है। भैया क्या लग रहा है कितने समय तक चलेगी ये NDA वाली सरकार? ये 13 दिन चलेगी। 13 दिन अटल जी वाला ही रिकॉर्ड? हाँ, तो अगर ये प्रधानमंत्री का चेहरा माननीय राजनाथ सिंह को दे दिए होते या नितिन गडकरी जी को दे दिए होते तो 5 साल का हम आशा करते, लेकिन अगर हमारे भारत की जनता को किसी से नफरत है तो 2 गुजराती माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इसलिए जनता जो है इनको नकार देगी। और जनता तो नकार दी है, उसमें तो 2 राय नहीं है। अभी जो इनके दोनों पैर में जो रस्सी बंधी हुई है वो 13 दिन में जो फ्लोर टेस्टिंग होगी तो रस्सी खींच लेंगे लोग, फिर सरकार गिर जाएगी। अभी 13 दिन आप इंतजार करिए। 13 दिन अब इसमें कोई प्रमाण नहीं है, जितने जब तक चल जाए तब तक सही। अच्छा चलिए, आपको क्या लग रहा है कितने दिन चलेगी सरकार? ये तो मात्र 3 से 6 महीने तक के हो सकता हो तोड़ जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 3 से 6 महीने हो सकता है, चाचा का कोई उम्मीद भी नहीं, पलटू राम चाचा किस वक्त पलट जाए। और चंद्रबाबू नायडू ने इतनी डिमांड रखी है इनकी, देखो पूरी होती भी नहीं होती, अभी कुछ डिसाइड भी नहीं हो पाया है, इसलिए कोई अभी हो सकता है 3 महीने भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। 3 महीने बहुत ज्यादा हो जाए। आपको क्या लग रहा है, इधर देखिए क्या लग रहा है आपको, NDA की सरकार कितने समय तक चल पाएगी? भैया इसमें हम क्या कह सकते, गठबंधन का इतना सरकार है, कहो तो कल गिर जाए,
और ना तो कहो 5 साल चल जाए। ये चलने वाली चीज़ है। डिसाइड नहीं रही। हाँ हाँ, ये एनडीए की सरकार आपको क्या लग रहा है कितने समय तक चल पाएगी? बस चंद महीनों की सरकार है। चंद महीने की और क्या है, सब वहाँ वही है। अडानी अंबानी कब नहीं चलेगा देश में। हाँ, मोदी को उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। वक्त जा चुका है, जा चुके हैं, बहुत वक्त जा चुका है। और भाजपा का वक्त भी जा चुका है। 10 साल में कुछ मिला जनता को? कुछ नहीं मिला। कहीं कुछ मिला किसी को? नौजवान सड़क पर मर रहा है, नौजवान सड़क पर अपनी डिग्री लेके घूम रहा है, किसान 50 किलो यूरिया की जगह 40 किलो पा रहा है, तो क्या होगा देश का? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको क्या लग रहा है सर, ये सरकार जो है कितने समय तक चल पाएगी? पूरा चलेगी, पूरा टेन्योर कंप्लीट करेगी। 5 साल। जितना पढ़ा लिखा वर्ग है वो सब समझता है कि क्या प्रगति हो रही देश की। अच्छा। यही यूपी है जहाँ पर अगर गाड़ी लेके निकल जाओ 400-500 किलोमीटर तो सीधे सर्विस स्टेशन पे लेके जानी पड़ती थी। और अब कैसा रोडें बनी हुई हैं, टनाटन चिकनी, एक से एक रोड डेवलप हो रही है। देखिए, ईगो में रहेंगे, अहंकार में, बात तब तो सरकार चलाना मुश्किल है। इकोनॉमी कितना बड़ी है? एक मिनट, आपका भी क्या कहा आपने? ईगो अहंकार रहेगा तो सरकार चलाना मुश्किल है। आप एक को खुश करोगे, एक को नहीं, थोड़ा ये जो ऐसा नहीं चल पाएगा। ये जो मिला जुला वाला है, ये जो बड़े नेता हैं, इनको अपनी भाषा पर बहुत कंट्रोल करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए कि हम ही सब कुछ हैं। मोदी जी जैसे भाषण देते हैं, क्योंकि आरक्षण चलेगा, मैं जिंदा हूँ, पार्टी का नाम ही नहीं लेते, मैं हूँ मोदी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, संगठन से ऊपर नहीं हो। ये कहोगे जब तक संगठन है, जब तक भाजपा है तब तक चलेगा, अच्छी बात है। कहने के तौर पर ये नहीं है, कहने के तौर पर ये है कि आपके एक शब्द का महत्व होता है, एक एक शब्द का महत्व है, इसलिए आप वही अपने शब्द को फ्लोट करिए जो पब्लिक को स्वीकार है। आपने हर भाषा में कह दिया। बहुत शुक्रिया।